बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा आप लोगों को पता है कि रिग्रेशन स्टडी कर रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस को। तो इसमें से आज हम कुछ मज़ीद टर्म्स देखेंगे और देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन जो है उसकी मेन काइंड्स कौन सी हैं, ठीक है। और फिर उसमें से पॉपुलेशन का लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और फिर सैम्पल का लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल के पैरामीटर्स हैं उनको हम लोग इंटरप्रेट कैसे कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि रिग्रेशन जो है इट इज़ जनरली डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स। बेसिकली इसके टू काइंड्स हैं, एक जो है वो लीनियर रिग्रेशन है और दूसरी जो है वो नॉन लीनियर रिग्रेशन है। सो लीनियर रिग्रेशन भी फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है सिंपल लीनियर में, मल्टीपल लीनियर में, कर्वी लीनियर में, इस तरह से नॉन लीनियर रिग्रेशन की भी टाइप्स हैं। लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में जस्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन इंक्लूडेड है, इसलिए मैं ज़्यादा उनकी तफसील में नहीं जाऊंगी। सो जहाँ तक लीनियर रिग्रेशन की बात है, तो रिग्रेशन मॉडल इज़ लीनियर। कब हम रिग्रेशन मॉडल को लीनियर कहेंगे? इफ़ द पैरामीटर्स इन द मॉडल आर इन लीनियर फॉर्म। अगर जो पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं हमारे पास मॉडल में वो किस फॉर्म में होंगे? अगर वो लीनियर फॉर्म में होंगे। अब लीनियर फॉर्म का क्या मतलब हुआ? लीनियर फॉर्म का ये मतलब हुआ कि कोई पैरामीटर भी उसमें नो पैरामीटर अपीयर्स एज एन एक्सपोनेंट। ना तो वो पार की फॉर्म में आया हुआ हो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आया हुआ हो कोई भी पैरामीटर, और ना ही ये हो कि और इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी अदर पैरामीटर। ना ही कोई भी पैरामीटर जो है वो किसी और पैरामीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में आया हुआ हो। अगर ये दो सूरतें नहीं होंगी तो हमारे पास मॉडल जो है वो क्या हो जाएगा? लीनियर मॉडल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है वो नॉन लीनियर मॉडल होगा। सपोज हमारे पास क्या है, लेट्स से मैंने एक मॉडल लिखा है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन। इसमें जो अल्फा एंड बीटा हैं ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, इसको हम लीनियर मॉडल कहेंगे। क्योंकि कोई भी पैरामीटर, दो पैरामीटर्स हैं अल्फा एंड बीटा, कोई भी जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में नहीं है, और कोई भी मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं आया हुआ पैरामीटर टू पैरामीटर। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन अगर हम लोग ये भी दो मॉडल्स हैं, ये मॉडल देखेंगे वाई किसके इक्वल है, अल्फा एक्स रेज टू पार बीटा एप्सिलॉन। अब देखेंगे इसमें क्या हो गया, एक तो एक पैरामीटर बिल्कुल एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया और एक पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहा है। जबकि दूसरा मॉडल देखेंगे तो क्या है, अल्फा बीटा रेस टू पावर एक्स एप्सिलॉन। अब इसमें फिर क्या हो गया, ये जो हमारे पास पैरामीटर हैं ये पैरामीटर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया होगा। सो ये जो हमारे पास दो मॉडल्स होंगे ये दे विल बी कॉल्ड नॉन लीनियर मॉडल्स, ठीक है। सो नॉन लीनियर रिग्रेशन इज़ अ प्रोसीजर फॉर फिटिंग डाटा टू इक्वेशंस विच आर नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स। नॉन लीनियर रिग्रेशन हमारे पास कौन सी होगी, जिसमें नॉन लीनियर रिग्रेशन इज अ प्रोसीजर फॉर फिटिंग डाटा टू इक्वेशंस विच आर नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स। जिनके पैरामीटर्स नॉन लीनियर होंगे तो उन पे हम जो भी लाइन उस डाटा पे इक्वेशन फिट करेंगे वो भी हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगे, जबकि नॉन लीनियर होगे। जबकि लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या होगी, लीनियर रिग्रेशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इफ़ द पैरामीटर्स इन द मॉडल आर इन लीनियर फॉर्म, दैट इज नो पैरामीटर अपीयर्स एज एन एक्सपोनेंट और इज मल्टीप्लाइडेड और डिवाइडेड बाय एनी अदर पैरामीटर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट जो है फिर एक चीज़ आ जाती है हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इससे पहले आप लोग सिंपल रिग्रेशन की टर्म पढ़ आए हो। सिंपल रिग्रेशन हमारे पास क्या होती है, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होगी, इन सिंपल रिग्रेशन द डिपेंडेंस ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल इज इन्वेस्टिगेटेड ऑन ओनली वन प्रोग्रेसर एक्स। यहाँ तक हम लोग देखा है, दिस इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन।
नेक्स्ट इसको सिंपल लीनियर कब कहेंगे? इफ द रिलेशनशिप ऑफ दीज टू वेरिएबल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन, अगर इनके इस रिलेशनशिप को, हम डिपेंडेंस के रिलेशनशिप को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में शो कर पाएं, देन दिस विल बी कॉल्ड, इट इज टर्म्ड एज सिंपल लीनियर रेग्रेशन। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रेग्रेशन लाइन। अब रेग्रेशन लाइन हमारे पास क्या होगी? एन इक्वेशन। अब एक इक्वेशन हमारे पास होती है, जैसे हम लोग देख चुके हैं रेग्रेशन एनालिसिस में, एक इक्वेशन होगी जो कि जिसकी बेस पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो व्हाट विल बी अ रेग्रेशन लाइन? रेग्रेशन लाइन विल बी एन इक्वेशन, एन इक्वेशन that predicts the value of dependent variable based on the value of one or more independent variables is called a regression line or regression equation. Okay, next जो है वो हमारे पास अब basic चीज़ आ गई है, population का simple linear regression model आ गया है। इसको अच्छे तरीके से समझ लें। जो हमारे पास रेग्रेशन मॉडल है, कौन सा? सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल, यही एक आपके कोर्स में इंक्लूड है। दस द पॉपुलेशन, अभी हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल की। द पॉपुलेशन सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल इज डिफाइंड एज, इस तरह की उसकी फॉर्मेशन होती है। कैसे? वाई आई जो भी हैं वो किसके इक्वल हैं? ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास हैं वो किसके इक्वल होंगी? अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। अब हम ये सारी टर्म्स देख लेते हैं कि ये सारा कुछ क्या है, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है, वो किन किन फैक्टर्स को मिला के बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं जो वाई है इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और रैंडम डिपेंडेंट वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल। जबकि एक्स जो है, ये एक्स जो है हमारे पास, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या कंट्रोल्ड वेरिएबल है हमारे पास, यानी इसकी वैल्यूज़ रैंडमली बिहेव नहीं करती, बल्कि पहले से नॉन वैल्यूज़ होती हैं और हम लोग उनको पुट करके अपनी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल वेरिएबल और डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल। जबकि जो ये अल्फा एंड बीटा आप लोग देख रहे हैं और एप्सिलॉन, ये क्या है हमारे पास इस मॉडल में? जो अल्फा है, दिस इज़ कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट क्या शो करता है, किसको रेफर करता है? विच इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमें बताता है जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे, ये हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। जबकि जो हमारे पास बीटा है, ये बीटा, इसको हम कहते हैं रेग्रेशन कोफिशेंट, पॉपुलेशन रेग्रेशन कोफिशेंट, और स्लोप ऑफ रेग्रेशन भी इसी को कहा जाता है। अब ये जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका आपको अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, और मैं खुद भी बार बार इसको रिवाइज किया करूँगी। बीटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वाई, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी इंक्रीज हुआ है या जो भी चेंज आएगा ड्यू टू यूनिट इंक्रीज इन एक्स, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट इंक्रीज की वजह से वाई में डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंज आएगा उसको कौन शो करेगा? उसको शो करेगा बीटा। अगर बीटा की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो ये इंक्रीज को शो करेगा, और अगर बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो फिर ये डिक्रीज को शो करेगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन और रेग्रेशन कोफिशेंट। आखिरी चीज़ जो रह गई हुई है मॉडल में, वो रह गई हुई है आपके पास एप्सिलॉन आई। दिस एप्सिलॉन जो है ये शो करता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ वाई आई एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई आई, यानी जो ऑब्जर्व की गई है वाई की वैल्यूज, और इस मॉडल के थ्रू जब हम रेग्रेशन इक्वेशन से डिटरमिन करेंगे अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई,
तो उनका जो आपस का डिफरेंस होगा उसको एरर या एप्सिलॉन से शो किया जाता है, ये हमें उसका बताता है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, सारी की सारी इसी टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन कर ली, वाई एल्फा बीटा एक्स एप्सिलॉन। अब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास वाई है, जो रेस्पॉन्स वेरिएबल है, ये कैसे फॉर्म हुआ हुआ है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको कहेंगे लीनियर कंपोनेंट, अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, जबकि ये जो हमारे पास एप्सिलॉन आई है इसको रैंडम एरर कहते हैं या रेजिडुअल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स को मिला के हमारे पास रेग्रेशन, सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल पॉपुलेशन का जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब ये है कि इस मॉडल को, दिस मॉडल इज सेट टू बी सिंपल, लीनियर पैरामीटर्स एंड लीनियर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल क्यों कहेंगे, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीनियर इन पैरामीटर्स क्यों कहेंगे, बिकॉज नो पैरामीटर अपीयर्स एज एन एक्सपोनेंट और इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई अनदर पैरामीटर। लीनियर इन इंडिपेंडेंट क्यों कहेंगे इसको, बिकॉज द वेरिएबल अपियर्स ओनली इन द फर्स्ट पार्ट, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, उसकी पार जो है वो क्या है, ये अभी हम लोग देखा है, इसकी पार क्या है, पार वन है। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास लीनियर भी होगा इंडिपेंडेंट में, और साथ साथ जो हम देख रहे हैं इसके जो पैरामीटर्स हैं वो कोई भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ हुआ, अल्फा या बीटा एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो नहीं हो रहे, डिवाइड नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ। सो द मॉडल विल बी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अब ये है कि जनरली हम लोग जब पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो है उसको ऑब्टेन करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाती है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है वो आ जाती है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एक्स के, क्योंकि जो हमारे पास रेजिडुअल है या एरर टर्म में उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, सो विच रिप्रेजेंट्स दिस एक रेग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इन द पॉपुलेशन। आखिरी चीज आ गई हमारे पास इस लेक्चर की, वो है सैंपल का रेग्रेशन मॉडल। अभी हम लोग बात कर रहे थे पॉपुलेशन की, लेकिन पॉपुलेशन के साथ यूजली डीलिंग जो है वो लेंथी होती है, मुश्किल होती है, समटाइम्स पॉसिबल नहीं होती, तो हमें पता है कि हम लोग ज़्यादातर सैंपल के डाटा को ही यूज़ करते हैं। सो सैंपल का रेग्रेशन मॉडल क्या होगा, इन प्रैक्टिस वी हैव अ सैंपल फ्रॉम सम पॉपुलेशन, देयर फॉर वी डिज़ायर टू एस्टिमेट पॉपुलेशन रेग्रेशन लाइन फ्रॉम द सैंपल डाटा। सैंपल डाटा से जब हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे पॉपुलेशन रेग्रेशन लाइन को, देन द बेसिक रिलेशनशिप जो बनेगा, जो बेसिक मॉडल सैंपल के बेस पे बनेगा, उसमें हम क्या कहेंगे, वाई आई इक्वल्स टू है ए प्लस बी एक्स आई प्लस ई आई। ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो ई है, ये एस्टिमेट्स हैं पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स थे अल्फा बीटा और जो एरर का कंपोनेंट था एप्सिलॉन, उसका एस्टिमेट जो है ये ई आई है। द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इज जनरली रिटन एज, जो सैंपल के बेस पे एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आएगी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई इक्वल्स टू है वाई आई हैट इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स आई, जहाँ पे इसकी जो इनकी जो इंटरप्रिटेशन ए और बी की रहेंगी वो सेम रहेंगी, जैसे कि अभी हम पॉपुलेशन के लिए देखा है ए जो है वो वाई इंटरसेप्ट होगा, जो कि हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा वाई की व्हेन एक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। बी जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा और ये हमें शो करेगा चेंज इन वाई ड्यू टू यूनिट इंक्रीज इन वाई, और अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इंक्रीज शो होगी, अगर बी की वैल्यू नेगेटिव होगी देन दिस विल शो द डिक्रीज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज लेक्चर।